राजस्थान में बीजेपी का चेहरा कमल है, ये बात बीजेपी का हर नेता कार्यकर्ता कह रहा है। कमल निशान यानी नरेंद्र मोदी, क्योंकि पार्टी में अगर किसी के चेहरे पर वोट मांगे जा रहे हैं तो वो है पीएम मोदी। यानी विधानसभा चुनाव में अगर गहलोत की टक्कर बीजेपी के किसी नेता से है तो वो है नरेंद्र मोदी। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव गहलोत बनाम मोदी का हो चुका है, क्योंकि गहलोत और मोदी के बीच पहले से चल रहा ट्विटर वॉर फिर दिखा है। गहलोत के एक बयान पर नरेंद्र मोदी ने खिंचाई करते हुए ये कह दिया कि अशोक गहलोत मान चुके हैं कि कांग्रेस चुनाव हारने वाली है, इसीलिए बीजेपी को अग्रिम बधाई दे रहे हैं। इसके बाद तो जैसे सियासी भूचाल सा आ गया। अपनी बात का जस्टिफिकेशन देने के लिए सीएम गहलोत ने ट्वीट भी कर दिया। दरअसल एक बयान में सीएम गहलोत प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार करते करते हिट विकेट हो गए थे, जब उन्होंने पीएम से अपील की थी कि प्रधानमंत्री को उन्हें गारंटी देनी चाहिए कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो मौजूदा राज्य सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। इसी पर प्रधानमंत्री ने सांवलिया जी में सभा के दौरान अपने बयान की ऐसी बाउंसर डाली कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी मुसीबत में खड़ी हो गई। सीएम साहब के बयान का उल्टा रिएक्शन हो गया, तो थोड़ा मैनेज करने के लिए ट्वीट करके उन योजनाओं के बारे में जानकारी दे दी जिन्हें बीजेपी शासन में बंद किया गया था। इनमें पचपदरा रिफाइनरी, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा, दूध पर 2 रुपए लीटर सब्सिडी, अंबाबाड़ी से सीतापुरा जयपुर मेट्रो फेज 2, केदारनाथ त्रासदी पीड़ितों को अनुकंपा नियुक्ति और कई मुफ्त दवाइयां योजनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी को सीएम घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच तो यही है कि सीएम साहब ने बैठे बिठाए बीजेपी को मजा लेने का एक मौका तो दे दिया है। अब सवाल इस डैमेज को कंट्रोल करने का है, लिहाजा देखना होगा कि टीम गहलोत इसे कैसे मैनेज करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान चौक।